कोरोना वकड़ता सोसायटीओं में लॉकडाउन लागू करने राज्य सरकारे कोई निर्णय नहीं कर्यो। आरोग्य राज्यमंत्री कुमार कानाणी ना नाम थी फरतो थयेल पत्र पर मंत्री आपी स्पष्टता, राज्य की कोई सोसायटी में स्वैच्छिक लॉकडाउन की सरकारे अपील नहीं करी। सोशियल मीडिया में राज्य आरोग्य मंत्री कुमार कानाणी ना नामे फरता थयेला मैसेज मामले स्पष्टता पण करवामां आवी छे। लॉकडाउन ना समय में सोसायटी ना चेयरमैन अने आगेवानों ने उद्देशी ने जे अपील करवामां आवी हती ते मामले स्पष्टता करवामां आवी छे। मैसेज में स्वैच्छिक लॉकडाउन नो उल्लेख हतो, जो कि सरकारे आवो कोई ज आदेश नथी आप्यो। जूना मैसेज ने यूजर्स फॉरवर्ड करी रह्या छे। राज्य में कोरोना ना वधता केस वच्चे एक मैसेज सोशियल मीडिया में फरतो थयो छे, जेमां सोसायटी ना जवाबदारों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन करवानी क्यांक वात सामे आवी रही छे, अपील करवामां आवी छे। साथे तेमां प्रधानमंत्री ना नामनो पण उल्लेख करवामां आव्यो छे, जेनाथी सोशियल मीडिया में खोटो संदेश जई रह्यो छे। जे मामले स्पष्टता करवामां आवी छे कि आ प्रकारे कोईपण मैसेज आपवामां नथी आव्या, सरकारे लॉकडाउन ने लईने कोईपण मैसेज नथी आप्या। हितल जोड़ाई गया छे, हितल जूना मैसेज फरीथी फरता थया छे। लॉकडाउन नी आ अफवा फैलावामां आवी रही छे, कोरोना ना केस वधी रह्या छे, लोको चिंतामां छे, आखरे स्पष्टता शुं करवामां आवी? जी कहती चौक्स कही सकते कि जे प्रकार लॉकडाउन वक्त मैसेज है ये मैसेज अत्यारे शुरू करण के केसों रहा है, तना कारण आ सोशियल मीडिया ने जे कमाल कही सकते अथवा सोशियल मीडिया दुरुपयोग कही सकते ये दिशा में है। कारण कि जयरे गुजरात में लॉकडाउन होतु और लॉकडाउन चुस्तपणे पालन कर प्रकार की जो अपील करती ए वक्त मैसेज है ये अत्यारे सोशियल मीडिया में पुनः फरतो कर गैरसमज ऊी करने प्रयत्न थी रो है। क्या क्या राज्य कक्षा आरोग्य मंत्री कुमार कानाणी ना नामे जे मैसेज छे ए मैसेज फरतो कर्यो छे, अने तेना ज कारणे क्यांक ने क्यांक कुमार कानाणी द्वारा पण औपचारिक टेलिफोनिक वातचीतमां स्पष्टता करवामां आवी छे कि आ प्रकारनो मैसेज अत्यारनो कोई मैसेज नथी ने राज्य सरकारे आ प्रकारनी कोई अपील पण अत्यारे करी नथी। जी जी बिल्कुल, आभार आपनो हितल तमाम माहिती बदल। મારા નામનો એક પત્ર વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે, સોસાયટીના પ્રમુખો સેક્રેટરીઓને સંબોધીને આ પત્ર લખવામાં આવ્યો છે ને એમાં લખ્યું છે કે સોસાયટીએ પોતાની સ્વેચ્છાએ લોકડાઉન કરવું અને લોકડાઉનનો અમલ કરવો। આ મેસેજ બિલકુલ વાયત અને બોગસ છે, મારા નામથી ખોટો મેસેજ વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે। કોઈ વિઘ્ન સંતોષી દ્વારા વાતાવરણ ભય પેદા કરવાના લોકોને ડરાવવાનો પ્રયાસ થયો છે। અત્યારે પરિસ્થિતિ બિલકુલ સારી છે, આપણે કોઈ લોકડાઉનની કોઈ વાત જ નથી, એટલા માટે મારા નામથી થયેલો આ મેસેજ બિલકુલ ખોટો છે। તો આપણે આ મેસેજથી કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી, આપણી પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સારી છે અને આપણે સૌ શાંતિપૂર્ણ સાવચેતીપૂર્વક આપણે સૌ આ કોરોનાનો જંગ લડીએ અને આવા ખોટા મેસેજથી પ્રભાવિત ન થઈએ એ જ આપણે પ્રાર્થના કરું છું।